तीसरे पॉजिटिव वॉरियर थे जितेंद्र जैन जी, जो हमारे साथ इंदौर से जुड़े। एज वी मूव अहेड, मैं आप मित्रों को बता दूं कि कल हमने थोड़ा आर्मी में भी बात की, सीआरपीएफ में भी बात की। हर तरफ से हमारे लिए ब्लेसिंग्स और पॉजिटिविटी के मैसेजेस आए हैं कि हर कोई अपने अपने हिसाब से आज देश के सेवा में लगे हुए हैं। बट हमारा एक चीज ये भी था, जहां पर अभी हमारा प्रोग्राम एक थोड़ा सा टर्न लेगा, कि हम जिस तरह से बाहर से स्पीकर्स को बुला रहे हैं, हमने ये रियलाइज किया कि पॉजिटिव जिंदगी के अंदर ही वी हैव गॉट सम ग्रेट पॉजिटिव वॉरियर्स। तो हमें लगा कि हम इस प्रोग्राम को बैलेंस करने के लिए लोगों को तो बुलाएं जो समाज में बाहर हमारे लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे पॉजिटिव जिंदगी के परिवार में जो वॉरियर्स हैं, क्यों ना उन्हें भी एक मौका दिया जाए अपनी थॉट्स आगे करने का। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे ही पॉजिटिव जिंदगी के जो हैं नितिन भाई शाह, जो फ्रीडम ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा कि नितिन भाई, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं और फ्रीडम के बारे में थोड़ा हमें बताएं कि हाउ वी आर ट्राइंग टू यू नो फाइट फॉर द नेशन एंड फॉर द सोसाइटी। नितिन भाई। परेश भाई इज देयर? यस सर, नितिन भाई, मैंने उनको यस सर, यस सर। हाँ नितिन भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्लियर है? यस सर। ओके फाइन, तो अब हम हाथ मिलाएंगे, नमस्ते करेंगे, वो अभी डिसाइड हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंडिया ने एक विश्व गुरु होने का दावा कर लिया है और विश्व गुरु बनके ही रहेगा। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं यदि कोई बिजनेस के बारे में बात करूं, पहले मेरे कंपनी के बारे में बात करूं, तो मैं पॉजिटिव का मेंबर हूं, रोटेरियन हूं, आरसी मेजेस्टी का मेंबर हूं, रोटरी मिस बिजनेस का भी एक मेंबर हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात अब मैं कहना चाहूंगा कि पॉजिटिव वॉरियर्स की जो बात यदि हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें हमारे पीएम, शासन, प्रशासन, पुलिस, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सोशल वर्कर्स, और सबसे ज्यादा हम जो भूल जाते हैं वो जो बिजली कर्मचारी और वाटर वर्कर्स, पानी जो हमें घर पे देते हैं, उसके साथ बाकी के तो जो है, जो रेलवे वगैरह जो भी है, देयर इज अ सो मेनी लोगों के साथ हम अपने आप को खड़ा नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर रियल वॉरियर फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो अभी इतने मुश्किल में यदि हमारे लिए काम कर रहे हैं और हम कर रहे हैं कि घर पे बैठे हैं, तो हमारा काम डेफिनेटली यही रहना पड़ेगा कि वी आर इन सेकंड लाइन। बट दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि हमें, मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करूं, तो कभी ऐसा नहीं सोचा था कि कोविड में भी हमारी कोई प्रोडक्ट काम में आएगी। फ्रेंकली हम लोग हाइजीन प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें आज से करीबन 6-7 साल पहले से हम लोगों ने बनाना चालू किया सैनिटरी नेपकिन इंसिनरेटर। इंसिनरेटर को जो थोड़ा सा समझा जाए, तो सैनिटरी नेपकिन को डिस्ट्रॉय करने की मशीन, जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो लोगों के शायद समझ में बहुत ही कम आता था कि सैनिटरी नेपकिन तो मिल जाता है, लेकिन हमारी बहनों को सैनिटरी नेपकिन डिस्ट्रॉय करने का कोई सहूलियत है कि नहीं। तो इन दैट कंडीशन हमने सोचा कि नहीं, हमारी ऑफिस में काफी लड़कियों का ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा हमारे सुनने में आया, चाहे 5 लड़कियां काम कर रही है, लेकिन 5 लड़की को भी कोई जगह नहीं मिलती है सैनिटरी नेपकिन डिस्ट्रॉय करने के लिए, इसलिए ये लोग सैनिटरी नेपकिन को अपनी बैग में, हैंड बैग में रख के ले जाते थे और कहीं ऐसी जगह पे डाल देते होंगे। इन दैट कंडीशन वी थॉट कि भाई हम लोग बड़े बड़े इंसिनरेटर बनाते हैं, इन दैट कंडीशन व्हाई शुडंट वी गो विद द सैनिटरी नेपकिन इंसिनरेटर, और वहां से हमारा एक जर्नी हुआ सैनिटरी हाइजीन प्रोडक्ट बनाने के लिए। अभी बात यह है कि हाइजीन प्रोडक्ट बनाते बनाते अभी हमारे ध्यान में ये आया कि अलग से एक एटीएमपी एक रिक्वायरमेंट खड़ा हुआ कि दैट इज द मास्क को हमें डिस्ट्रॉय करना है, तो वही तो हमारा प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट मास्क को डिस्ट्रॉय करता है। जैसे कि इंफेक्शन वाला जो मास्क है, कोई भी कीटाणु, यदि हम कीटाणु की बात करें तो 70 डिग्री टेम्परेचर में कीटाणु नहीं रहते हैं, 90 डिग्री टेम्परेचर का गवर्नमेंट के हिसाब से 90 डिग्री टेम्परेचर तक यदि जाता है तो बिल्कुल कीटाणु खत्म हो जाते हैं, जबकि हमारे इंसिनरेटर में 300-350 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो दिस इज द बेस्ट पोर्शन कि भाई आप उसमें डाल दो, इमीडिएटली खत्म हो जाएगा, और ये इतना इजी है
मैं आपको एक सीधा सा बताऊंगा कि आपका सामने ये तीन मशीन दिख रही है आपको, यस राइट। हम लोगों ने समय के अनुसार यानी कि रिक्वायरमेंट के एडजस्टमेंट होते हुए तीन मशीन बनाई है। एक बनाई है घर के लिए बनाया है, जहां पे पांच लेडीज है, घर या स्मॉल ऑफिस के लिए पांच लेडीज है तो ये मशीन आपको काम में आ सकती है। ये बनाया है स्मॉल कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए, या तो 50 लेडीज तक है तो ये मशीन काम में आ सकती है। ये मशीन बनाया है करीबन 200-250 लेडीज हो या तो कोई भी पब्लिक प्लेसेस हो, स्कूल कॉलेजेस लेडीज हॉस्टल कहीं पे भी हो तो ये मशीन काम में आ सकती है। द मशीन इज फुल्ली ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक मतलब फुल्ली ऑटोमेटिक, करना कुछ नहीं है, सिंपल जैसे कि आप देखते हैं कि ये सैनिटरी नैपकिन है, ये मास्क है, तो कुछ नहीं करना है सिंपल। ये मशीन को जब हम ओपन करते हैं तो नीचे मशीन चालू हो जाती है, और इसको देखो जैसे कि हमने ओपन कर दिया और इसको हम लोगों ने डाल रहे हैं, कोई भी टेम्परेचर हमें नहीं लगेगा, लेकिन ये जैसे ही डालेंगे यहाँ पे चालू हो जाता है मशीन, ऑटोमेटिक चालू हो जाता है, कुछ करना नहीं है, कोई स्विच नहीं दबाना है, कुछ नहीं है। जैसे ही ये सैनिटरी नैपकिन या तो मास्क डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मशीन बंद हो जाएगा। तो दिस इज द थिंग, ऊपर से हम लोगों ने ये हाई टेम्परेचर डक दिया हुआ है जो बाहर फेंक देगा, जो एम रहेगा और एच रहेगा वो वहां पे वेस्ट के लिए आ जाएगा, जो एक नैपकिन में एक ग्राम वेस्ट बनेगा। तो दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट हमारा है जो तीनों सेगमेंट के लिए आता है। दूसरा हमारा एक प्रोडक्ट है सैनिटाइजेशन चैम्बर, जो आज की एक रिक्वायरमेंट है जो हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए बहुत ही जरूरी है। वो एज पर द रिक्वायरमेंट साइज हम बनाते हैं, स्टैंडर्ड साइज हमारा है 4 फीट बाय 6 फीट बाय 7 फीट। तो सैनिटाइजेशन चैम्बर के लिए मानो एक दिन में 1000 आदमी को आप सैनिटाइज कर सकते हो। तो ये दो प्रोडक्ट के साथ हम लोग काफी ऐसे प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में है जो डॉक्टर के साथ बना रहे हैं, कि जैसे कि हैंड सैनिटाइजेशन के लिए जो कर रहे हैं तो ये भी एक मशीन बनेगी। दिस इज अवर नेक्स्ट प्रोग्राम में जो पुलिस, हमारे पुलिस भाई जो चार रास्ते में खड़े रहते हैं, बार बार हाथ धोना पड़ता है, तो उसके लिए उसे कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। आपने जैसे कि ड्रायर की तरह हाथ डाल दिया, इस तरह से हाथ डाल दोगे आपका हाथ सैनिटाइजेशन हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो हमारा डेफिनेटली इंटेंशन एक पक्का है कि हमें कोविड को किसी भी तरह से हराना है, और वही लाइन पे ही अभी सोच जा रही है कि जो भी डेवलप करे वो डेवलप हमारा यही होना चाहिए कि कोविड को किस तरह से मराए। बाकी जो भी हमारे वॉरियर्स है जो यहाँ पे बैठे हुए हमारे वॉरियर्स है और जो कुछ देश के लिए कर रहे हैं उसको बहुत ही बहुत रिस्पेक्ट, पूरी सलाम, थैंक यू वेरी मच। इज देयर एनी क्वेश्चन, देन डेफिनेटली आई एम हियर। नितिन भाई आपने जो चैम्बर का बोला, हाँ जो चैम्बर है, तो क्वेश्चन ये है कि चैम्बर की कॉस्ट क्या है और आप कब इंस्टॉल कर सकते हैं अगर कहीं पे करानी हो। करेक्ट, चैम्बर की कॉस्ट जो है उसमें दो टाइप के है चैम्बर की कॉस्ट, एक है 65,000 का, दूसरा है 40,000 का। हमारे कंटिन्यूस प्रोडक्शन, हमारा दूसरा प्रोडक्शन यूनिट में कंटिन्यूस वो बनता है, यानी जब भी आप बताओगे मैक्सिमम यानी क्वांटिटी के बेस पे मैक्सिमम 5 to 7 days है, बट यदि एक या दो चैम्बर हो तो हम लोग इमीडिएटली 2 दिन में सप्लाई कर सकते हैं। ओके, मैं भी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आपका जो व्हाट इज, अजय भाई कुछ पूछना चाहते हैं। यस जय भाई, सर मैं ये पूछना चाहता था कि एक्चुअली कुछ रवि रिसेंट न्यूज में ये सुना चाहिए कि ये सैनिटरी चैम्बर्स जो बनाते हैं वो अभी गवर्नमेंट ने बैन किए हुए हैं। वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। आप जो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बैन किया, इसमें हुआ ऐसे है कि मुहिम चल रही है कि ये सैनिटाइजेशन चैम्बर यदि यूज करने में स्किन को यानी कि ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्शन होता है या ह्यूमन बीइंग को डिस्टर्ब होता है, ये बात सही भी है, क्योंकि कौन सा केमिकल आप यूज कर रहे हैं और कितना केमिकल यूज कर रहे हैं, आप कितने माइक्रो पार्टिकल इसमें से निकलता है वो बहुत ही मायने करता है। लाइकवाइज हम जो चैम्बर बनाते हैं उसमें 10 माइक्रोन से ज्यादा नहीं होता है, यानी कि जो भी होता है 10 माइक्रोन से ही होता है। तो और ये टाइमर बेस है, ऑटोमेटिक है, आप जैसे जाओगे आपने 7 सेकंड या 10 सेकंड सेट कर लिया तो 7 सेकंड तक में आपका सैनिटाइज हो जाएगा और आपके सरफेस पे ऊपर में जितना भी होगा वहां पे लग जाएगा, विथ इन 1 मिनट आप पूरा सूख जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब पहले लोग ने स्प्रिंकल लगाया तो स्प्रिंकल से एकदम से ऐसा छटका हुआ तो वो नुकसान करेगा, जैसे कि इनहेल में भी जाएगा, श्वास लोगे तभी भी ये नुकसान करता है। तो इस डेड कंडीशन हम लोगों ने डॉक्टर्स को साथ में रखते हुए ये बनाया है।
कि इसमें नोजल जो यूज होता है वो नोजल ऑपरेशन थिएटर में जो नोजल यूज होता है डॉक्टर जो यूज करते हैं वही नोजल को हम लोग ने लगाया हुआ है. तो इन दैट कंडीशन यहाँ पे डॉक्टर्स के उससे मुझे ज्यादा पता है. और अब दूसरी बात, हम लोग पहले केमिकल यदि कोई सजेस्ट करते थे अब हम नहीं कर रहे, क्योंकि अब बेटर है कि हमसे ज्यादा हॉस्पिटल वालों को पता है कि कौन सा केमिकल यूज करना है. तो पहले हम लोग बोलते थे कि ये केमिकल यूज करो वो केमिकल यूज करो, नाउ वी आर नॉट गोइंग टू गिव देम एडवाइस, आप अपनी तरह से अपने सुटेबल केमिकल यूज करो. तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये गवर्नमेंट की जो बात है, लेकिन गवर्नमेंट क्या पता है बैन किया ऐसा नहीं है. आज ही रूटीन रिसेंटली टुडे आई गॉट द इंक्वायरी फॉर 100 नंबर्स ऑफ सैनिटाइजेशन मशीन गवर्नमेंट के. तो ये बैन किया है ऐसा नहीं है, यानी कि बैन हो सकता है कि शायद कोई जगह पे किसी गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया होगा, लेकिन आज के डेट में गवर्नमेंट से 100 मशीन की रिक्वायरमेंट है. थैंक यू सो मच नितिन भाई फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंटेशन. Friends, let's put our hands together for the positive warrior number 4 of today. A very passionate member of Positive Zindagi. आप product को ठीक है side में रखिए, लेकिन उनके जो pledge है, उनका जो society के लोगों के लिए जो respect है और उनका खुद एक COVID को हराने का जो उन्होंने प्रण लिया है, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि how much passionate and committed he is. And we thank you for sir for being here. Thank you.